क्या इस देश के नागरिक को, किसी भी नागरिक को, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए इतना दंगों का, इतने आग का, इतनी बर्बरता का सामना करना पड़ेगा? क्या वो इतना गुस्सा करेगा कि वो पूरे देश को, पूरे मुल्क को आग लगा देगा? आज हम इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दानिश वारसी ट्रैवलर पे स्वागत करता हूं। और आज इस प्रतिक्रिया को कुछ आगे बढ़ाने से पहले, इस मुद्दे पे एनआरसी और सीएबी पे बात करने से पहले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ बात करूँगा। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हमारे साथ कैसे खेला जा रहा है। मेरा नाम वर्षा अरोड़ा है, मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी में रहती हूँ। सब बोलो जी श्री राम, श्री राम, श्री राम। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस भी मिक्स्ड हैं। कई बार जब लोगों को पता चलता है तो मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड ज़्यादा वेलकमिंग हो गया है, वो ईगर होते हैं मेरे बारे में जानने के लिए, ये जानने के लिए मैं कब माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आई थी, जो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो देखा आपने कैसे खेल रहे हैं ये नेता हम लोगों के साथ? वो खेल इसलिए रहे क्योंकि हम उनको खिलवा रहे हैं अपने साथ। किसी भी मजहब का आदमी क्यों ना हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता तो वो उसका अपना मुल्क है मेरे भाई। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? भले वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पहले आप इस मुद्दे को समझ तो लो। आप ये समझ तो लो एनआरसी और ये सीएबी है क्या? आपको पता नहीं है और आप बस अफवाहों का बतंगड़ बना के और सब दंगों के और भीड़ के साथ चल देते हो और पूरे पूरे कॉलेज को, पूरे पूरे यूनिवर्सिटीज को तबाह कर देते हो। जो बच्चे वहां लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी क्या गलती थी? उन मासूमों को मारा गया है, पीटा गया है, किसी भी कास्ट के, किसी भी, और हर मजहब का बंदा वहां पर पढ़ता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि हिंदू का बच्चा पढ़ेगा कि मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, कि सिख का बच्चा नहीं पढ़ेगा, मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो तो एक शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा की वो एक वहां पे किताबें हैं। आप वहां पे जला कर सकते हो चीजों को। पुलिस की बर्बरता आप दिखा रहे हो। मैं फिर वो बोलूंगा कि आप प्लीज मीडिया जो दिखा रही है उस पर मत जाओ। आप लोगों की बातों को बिलीव मत करो। पहले आप रिसर्च करो, पहले आप पढ़ो, अपने आप को एजुकेट करो, उसके बाद आप ये चीज फॉलो करो। कोई भी आपको इस देश से नहीं निकाल रहा है। दिस इज ऑल राजनीति मेरे भाई। आप मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के फेवर में नहीं बोलता। मेरा अपना खुद का इंडिविजुअल कमेंट्स होते हैं। ये करके आप अपने देश को, अपने मुल्क को कितने सालों पीछे ले जा रहे हो। जो बच्चे पकड़े गए हैं बिना किसी बात के, उनकी जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो FIR फाइल हुआ है, उसके बाद क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? उसके बाद वो उन्हें किसी अच्छी जगह पे वो नौकरी कर पाएंगे? उनका पूरा करियर खराब हो गया है मेरे भाई, और आप मजे ले रहे हो। क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान ही एक मुद्दा रह गया है पूरे देश के अंदर? क्या और मुद्दे नहीं है? अरे हम सरकार के ऊपर या हम सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं? हम खुद क्यों नहीं कदम उठाते? आप थोड़े थोड़े कदम, मेरी पुरानी वीडियोस में ही मैंने बोला है कि आप बेसिक्स स्टेप्स लेना शुरू कर दो, देश अपने आप सुधर जाएगा। द प्रॉब्लम इज कि जो जिस चीज के बारे में, जिसको नहीं पता है ना यहां पर, वो उस चीज का मास्टर बना बैठा है, और जिसको जो चीज पता है वो चीज वो कर नहीं रहा है। तो प्लीज आप समझिए, सोचिए। मैं अपनी इस वीडियो को शॉर्ट करके सिर्फ मैं बताना नहीं चाह रहा कि NRC क्या है, CAB क्या है, आप सबको पता है। आप अफवाहों का, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि अफवाहों पे मत जाओ। प्लीज हिंदू मुसलमान मत करो, हम सब एक हैं। मेरे घर में आज भी सेवैयां बनती है तो मुस्लिम से ज्यादा सारे मेरे हिंदू दोस्त खा जाते हैं। उनके घर में गुजिया बनती है होली में तो उनके घर से गुजिया मेरे घर पर आती है और मैं उनके घर में गुजिया छीन के खाता हूं। तो क्या हो रहा है ये? आप कहां जा रहे हो, किस लेवल पे जा रहे हो? अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने जनरेशन को क्या दोगे आप? उनके दिमागों में ये बात मत डालो। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर यूनाइटेड। अपनी वीडियो को इस शेर के साथ खत्म करना चाह रहा हूं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।